हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटेटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग? तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस बार 2020 में EPFO रिक्रूटमेंट जो आया था, उसका जो अप्लाई करने का लास्ट डेट है वो निकल चुका है। और इसके बाद आशा करता हूं कि अगर आप UPSC 2020 या 2021 का प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपने ये फॉर्म ज़रूर फिलअप किया होगा। और इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे कि इस बार कितने फॉर्म अप्लाई हुए हैं, कितने फॉर्म भरे गए हैं इस बार, पिछले साल कितने फॉर्म भरे गए थे और कितने लोग अपीयर हुए थे पेपर वन में, और पिछले साल कितनी वैकेंसियाँ थी। इसके अलावा एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताऊंगा और कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पिछले साल से थोड़ा सा चेंजेस है, मतलब कि पिछले बार जब ये वैकेंसियाँ आई थी तो उसमें इंटरव्यू और रिटन का, यानी कि टायर वन का जो वेटेज था वो 50-50% था, मतलब इक्वल था। लेकिन अब चेंजेस वगैरह कुछ हुए हैं, और तो जो भी सारी बातें हैं हम लोग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखें बिना स्किप किए, ताकि आप कोई पॉइंट मिस ना करें और आपको दोबारा नहीं देखना पड़े, ठीक है? तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाएँ, और दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर कर दें। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या वैकेंसियां रही हैं इस बार। तो टोटल यहां पे आप देख सकते हैं, टोटल 421 वैकेंसियां हैं। पिछले बार जब ये वैकेंसी मतलब रिक्रूटमेंट आई थी तो 257 टोटल वैकेंसियां थी, ठीक है? मैंने आपको बता दिया, एक आइडिया दे दिया बस। और यहां पर आप देख सकते हैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर का पोस्ट है, और किस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है, ये आता है आपका अकाउंट ऑफिसर इन एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है? ये लेबर मिनिस्ट्री के अंदर आता है और इसका एग्ज़ाम UPSC कंडक्ट करवाता है, आपको पता ही होगा। तो और इसका जो लेबल है, एग्ज़ाम लेबल, वो ग्रेजुएशन पे है। आपने अगर ग्रेजुएशन किया, चाहे वो रेगुलर से करें या डिस्टेंस से, आप बिल्कुल इसी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आशा भी करता हूँ कि आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। और इसका एज लिमिट 30 साल था शायद, और मतलब ऐसे में नॉर्मल बता रहा हूँ जनरल वालों के लिए। बाकी एज रिलैक्सेशन जैसे आपको सर्टिफिकेट वाइज मिल जाता है, जिसका जो कास्ट है तो उसकी बात अलग है। और मैं आपको दिखा दिया मैंने कि कितने पोस्ट हैं इस बार और पिछले बार भी। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ रिज़ल्ट, माफ़ कीजिएगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा। तो इसका एग्ज़ाम जो है वो 4 अक्टूबर 2020 को डेट दे दिया गया है कि होगा, और ये सही बात है कि इसी डेट को ही होगा। अगर आप हम लोग देखें कि हम लोग के पास कितने टाइम है, तो आप देख सकते हैं फेब तो निकल चुका है, लगभग आधा निकल चुका है। और इसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है? यानी कि 7 मंथ्स है प्रिपरेशन करने लिए, इनफ है हम लोग के लिए, जो भी एस्पिरेंट है उनके लिए भी। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कीजिए, ये मत देखिए कि वैकेंसी बस 400 ही है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। आपको बस ये सोचना है कि बस मुझे एक सीट लेना है, ठीक है? आपको एक ही सीट लेनी है ना, बस आपको एक पोस्ट चाहिए, एक सीट चाहिए, कि उसी हमको बस ले लेना है कैसे भी करके। तो उसी के लिए मेहनत करिए, करते रहिए। और ये सब देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये सब स्टेट्स वगैरह हैं, और ये रीजनल सेंटर है एक्चुअली, जहाँ पर अगर आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जितनी लिमिट है अगर क्रॉस हो गई तो वहाँ पर रेड टिक हो जाएगा, ऐसे रेड टिक हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पर आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये तो मैं पहले का बात बता रहा हूँ एक बेसिक नॉलेज के लिए आपके। और इसके बाद हम लोग देखते हैं आपका कि क्या स्कीम वगैरह रहते हैं रिटन टेस्ट के, टीयर वन के, ठीक है? तो टेस्ट विल बी द टेस्ट विल बी ऑफ 2 आवर्स ड्यूरेशन, यानी कि 2 घंटे का समय दिया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो ये रिक्रूटमेंट निकली थी ना, तो उसमें आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 था और 200 मार्क्स का था। पहले जब ये एग्ज़ाम होता था तो इसमें आपका रिटन टेस्ट यानी कि टीयर वन और इंटरव्यू दोनों का वेटेज 50-50% था, यानी कि अगर ये 100 नंबर का है तो ये भी 100 नंबर का ही होगा, ठीक है? लेकिन इस बार थोड़ा चेंजेस हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ क्या चेंजेस हुआ है। देखिए, इस बार 75% जो वेटेज है वो आपका टीयर वन का है, रिटन टेस्ट का है, और 25% आपका इंटरव्यू का है, ठीक है? यानी कि अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो आपके चांसेस पूरे पूरे बन जाएंगे सेलेक्ट होने के। और इसकी सैलरी 4800 ग्रेड पे है, और ये मैटर करती है आपके XET, YCET
और जेड सिटी पे, अब जिस सिटी पे रहेंगे उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। जैसे आप एक सिटी हैं दिल्ली वगैरह, तो वहाँ पर आप रहते हैं तो खर्चा वगैरह ज़्यादा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो वहाँ पे सैलरी तो 65 से 70 हज़ार आपको मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। और उसी तरह अगर आप वाई सिटी या जेड सिटी में जाते तो वहाँ पे थोड़ा सा कम मिलता है। और भी बहुत सारा इसमें है, जैसे अलावेंस कुछ मिलते हैं, कुछ एरियर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कुछ डिडक्ट भी होता है कुछ, तो वो सब बातें हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ बस हम लोग जो काम की बातें हैं वो सब हम लोग करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ देखिए 5 नंबर पॉइंट यहाँ पर बोला गया है 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 3 क्वेश्चन गलत गिरेंगे तो 1 मार्क्स कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप ले धनाधन तुक्का मारें और पास हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। और जैसे कि UPSC करवाती है कोई भी एग्ज़ाम तो हिंदी और इंग्लिश में होता है, तो देखिए यहाँ पर भी जो एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश में होगा और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। तो ये था एक आइडिया आपको जो मैंने दे दिया। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे सिलेबस वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे पिछले बार का हम लोग पेपर अगर देखेंगे तो वो भी पेपर हम लोग लेके आएंगे आपके लिए ज़रूर। देखिए यहाँ पर इंग्लिश है, सबसे पहले इंग्लिश से लगभग 20 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसी तरह इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल है, कल्चरल इवेंट एंड डेवलपमेंट इशू वगैरह है, इंडियन पॉलिटिक इकोनॉमी है, तो इससे लगभग 12-13 करके ऐसे ही लगभग क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार जब ये रिक्रूटमेंट आई थी, ठीक है, 12-13। उसी तरह देखिए ये जो आपका पोस्ट है ना वो अकाउंटिंग ऑफिसर के लिए ही है, और ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता ही दिया, और लेबर मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, उसके लिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। और यहीं से पिछली बार लगभग 30 क्वेश्चन आए थे मिला के, 14 इसके और 16 इसके, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इसको, ये दोनों टॉपिक को, ठीक है, पॉइंट नंबर 5 और 6। पॉइंट नंबर 5 है आपका जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और आपका 6 है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ठीक है। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इससे लगभग 12-12 क्वेश्चन 12-8-8 ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, जिससे कि मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल साइंस वगैरह यहाँ पे, और कंप्यूटर नॉलेज है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, फिर आपका मैथ्स और रीजनिंग है, और उसके बाद है सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है जो कि मैंने इंक्लूड किया है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं ना कि पिछली साल की क्या कट ऑफ रही थी। देखिए तो पिछले साल एक कैटेगरी नहीं थी आपकी EWS, जब ये पिछले साल, सॉरी मैं माफ़ कर रहा हूँ, मैं बार बार पिछले साल बोल दे रहा हूँ, पिछले बार जब ये वैकेंसी आई थी तो उस समय EWS नहीं थी कैटेगरी, जब जो कि नया से ऐड हुआ है। तो देखिए जनरल की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी, देखिए रिक्रूटमेंट टेस्ट में यानी कि जो Tier 1 हुआ था उसमें 49.50, OBC में 44.50, SC में 42.50, ST में 43.50, PH कैटेगरी में 30, और PH HH में आपकी 33 गई थी, ठीक है। उसका देखिए इंटरव्यू में देखिए जनरल की 50, OBC की 45, और टोटल अगर हम लोग देखते हैं, सीधे टोटली देख लेते हैं, फाइनल सिलेक्शन देखिए कितने नंबर पे हुआ, तो 200 मार्क्स में आपको बता रहा हूँ ये, ठीक है, 200 में 110.85 OBC की गई थी, 103.78 SC की गई थी, 102.23 ST गई थी, 103.06 और 88.11 गई थी PH कैटेगरी की, और PH HH कैटेगरी गई थी 93.61। तो ये गई थी टोटल टोटल कट ऑफ गई थी अलग अलग कैटेगरी वाइज मैंने जो आपको बताया। इसके बाद टोटल वैकेंसी आती आपकी 257, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं, ठीक है। पिछले साल अगर हम लोग ये देखें कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये डाटा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, हमने भी ये साइट से ही लिया है। टोटल जो 146,004 स्टूडेंट अपीयर हुए थे Paper 1 के लिए, Tier 1 के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज देखें तो जनरल की जो अटेंडेंस रही थी Tier 1 में वो 59,155, OBC की उसी तरह 53,300, SC की 27,533, ST की 6,016 थी, ठीक है। टोटल इतने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, इसका मतलब आपको पता है अगर 1.5 लाख, देखिए 1.5 लाख के करीब में, तो लगभग 3 से 4 लाख फॉर्म अप्लाई हुए होंगे इसके लिए, आप समझ सकते हैं। और इस बार मैं आपको दिखा देता हूँ, आप शॉक्ड हो जाएंगे बिल्कुल कि कितने अप्ले मतलब फॉर्म भरे गए हैं इस बार।
तो इस बार 10 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए हैं। टोटल देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल सटीक डाटा है, 9,83,176 फॉर्म भरे गए हैं। जनरल की हम लोग बात करें, देखिए कैटेगरी वाइज में हम लोग देख लेते हैं एक बार। जनरल की हम लोग बात करें तो 3,24,795, उसी तरह ओबीसी की बात करें तो 3,69,098, और एससी से 1,74,934 फॉर्म भरे गए हैं। उसी तरह एसटी से 51,000 प्लस और ईडब्ल्यूएस से आपके 62,000 प्लस फॉर्म भरे गए हैं। टोटल 9,83,176 फॉर्म भरे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं पिछले साल अगर 4 लाख फॉर्म भरे थे, अगर हम लोग मान के चलते सपोज़ 4 या 3.5 लाख, तो उसमें से 1.5 लाख स्टूडेंट आ रहे थे। तो इस बार अगर 10 लाख फॉर्म भरे गए हैं, तो आप कहीं ना कहीं मान के चलिए कि 5 से 5.5 लाख आपका अटेंडेंस रहेगा पेपर वन में, ठीक है, एकदम आप मान के चलिए। तो आप समझ सकते हैं कंपटीशन तो ऐसे भी आपको पता ही होगा कि दिन पे दिन बढ़ ही रहा है, लेकिन इसमें अगर आप देखें ना तो 3 से 4 गुना आपका कंपटीशन बढ़ चुका है अगर आप इसमें देखें तो। तो ये मैंने एक आपको आइडिया दे दिया जिससे कि आपको पता चल जाए कि आपको किस लेवल पे प्रिपरेशन करना है एग्ज़ाम के लिए, और आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्ट्रेटजी भी लाई जाए कि कौन कौन सा बुक पढ़ना है आपको, कहाँ से ज़्यादा पढ़ना है, और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर भी आपको करवाया जाए, तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाइए जुड़िए। कोई भी क्यूरीज वगैरह है, कोई भी अगर डाउट है, तो आप वहाँ पे हमको पिंग कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, आपको वहाँ पे आंसर कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।